हाय गाइस, गाजियाबाद करने वाला जो मुकाबला आज का खेला गया है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बीच का एक रोमांच मैच हुआ था अभी फिनिश। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 की शानदार पारी खेली 7 विकेट नुकसान पर। ऐसे मैच T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे यहाँ पे जो जून जिसको फाइनल मुकाबला ब्रेड टाउन में खेला गया। दोस्तों साउथ में लक्ष्य का पीछा करते हुए 175 रन पर 8 विकेट नुकसान पर 20 ओवर का मामला पूरा किया 177 रन से जीतने के लिए। वो यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर 7 रन से मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों काफ़ी मुश्किल मुकाबला था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, काफ़ी टीमें भी पुरानी मुकाबला था जो बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला देखने मिला था। परफॉर्मेंस बात करें इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला बहुत शानदार अच्छा रहा। 174 की पारी खेली 7 विकेट नुकसान पर। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे 173 की पारी खेली 8 विकेट नुकसान पर। ऐसे मैच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला बहुत ही शानदार एक रोमांचित मैच जो शुरू हुआ उसमें इंडिया ने इस मुकाबले को 7 रन से जीत लिया इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। दोस्तों इंडिया ने यहाँ पे 174 की पारी खेली 7 विकेट नुकसान पर। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे 169 की पारी खेली 8 विकेट नुकसान पर। इस मुकाबले को 7 रन से जीता इंडिया टीम ने। अभी हम बात करेंगे इंडिया टीम जो बल्लेबाजी रही किस तरह से रही, इस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा ने किस तरह से मुकाबले को खेला है, किस तरह से मुकाबला या प्रदर्शन किया है इस मैच में। हम बात करेंगे जो फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद 2024 में अपने T20 वर्ल्ड कप पर इंडिया टीम अपना कब्जा कर पाई। 2011 के वनडे के बाद ये वैसे हम सुनहरा मौका था रोहित शर्मा के हाथों में जो इस टीम इंडिया को अपना T20 वर्ल्ड कप मिला। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को 7 रन से हार घोषित की। उस इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका बीच मुकाबला फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला आज इंडिया ने फाइनल जीत लिया है। 174 रन की पारी खेली थी और देखते हैं स्कोर बोर्ड, देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म रहा है 174 रन का। अब यहाँ बात करें रोहित शर्मा कैप्टन आए थे बल्लेबाजी करने विराट कोहली के साथ। रोहित शर्मा 5 गेंदों का सामना कर पाए, 9 रन बनाए, 2 चौके लगा के 180 की स्टार्टेड। और यहाँ पे महाराज गेंद पर केशव गलासे ने कैच लिया। रोहित शर्मा कैप्टन 9 रन बना के आउट हुए, फॉर्म में थे, अच्छी बल्लेबाजी करे लेकिन यहाँ पर कैच आउट हुए गलती से। विराट कोहली की बात करेंगे तो यहाँ पर 76 की पारी खेली 59 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के उसमें शामिल है, 128 की स्टार्टेड। जेंसन गेंद थी रबड़न आसन के लोग विराट कोहली आज 76 बना के आउट हुए। ऋषभ पंत की बात की जाए तो यहाँ पर 2 रन की पारी खेली 0 विकेट आउट हुए महाराज गेंद पर। पंत आज कुछ खास कर पाए नहीं। सूर्य यादव ने यहाँ पे 4 गेंदों समय के 3 रन बना के फिर रबड़ा गेंद आउट हुए लगातार लेकिन विकेट गए थे। रोहित शर्मा बाद जैसे पंत दिए सूर्य यादव गए, उसके बाद ऐसे पटेल आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली विराट कोहली के साथ में। गोपी कोक की गेंद रन आउट हुए थे 47 रन बना के 31 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के लगाए थे, चौका भी उनके बल्ले से आया था। अक्षर पटेल गेंद पे 47 रन बनाए थे उन्होंने, वो 3 रन मार दुबे और रन आउट हुए थे गलती से। अब ये बात करें दोस्तों शिवम दुबे आए थे उसके बाद 27 की पारी खेली, उन्होंने भी 16 गेंदों में विराट कोहली साथ दिया, शिवम दुबे भी आउट हुए। नोटिस गेंद मिलर ने कैचअप का, उसके बाद हार्दिक पांड्या आए थे जो 5 रन की पारी खेली, आउट हुए, 2 गेंदों 5 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौका आया था। रवि जडेजा भी आज कुछ खास कर नहीं पाए, 2 गेंदों 2 रन बना के विकेट करवाया था महाराज क्या के सबका। नोटेज गेंद थी नोटेज पड़ा का बहुत ही शानदार एक अच्छा मुकाबला, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिला। परफॉर्म की बात की जाए परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला रहा था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच का मुकाबला है। फिर से बहुत ही शानदार पारी गई दोस्तों। टोटल बात करें यहाँ पे 176 रन बने 4 विकेट नुकसान पर। मैं बाई एक्स्ट्रा मिले 7 रन 20 ओवर का मुकाबला खेला गया, उसमें 8.80 की प्रति ओवर रेट और 176 रन बने थे। अब यहाँ बात करें बॉलिंग जो किस तरह से रही इंडिया टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका की, बात करें बॉलिंग की बात ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों बॉलिंग में आज केशव महाराज नोटेज बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। मार्क जॉनसन यहाँ पर 4 रन ले 50 रन 1 विकेट लिया, 12.25 की इकोनॉमी। केशव महाराज 3 रन 2 विकेट लिए 7.66 इकोनॉमी रही। फिर से रबड़ा ने 4 रन 36 रन विकेट लिया 9 की इकोनॉमी रही। यहाँ पे आदि मात्रा में 2 ओवर में 16 रन दिए 8 की इकोनॉमी रही। अमृत नोटेज ने 4 रन 26 रन 2 50 की इकोनॉमी, 26 शमसी ने 3 रन 26 रन दिए पर विकेट नहीं मिला। इस तरह से मुकाबला कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और सचिन मिला के हाथों बैटिंग है। बात करें 23 पर गया पहला विकेट रोहित शर्मा का, दूसरे गेंद दूसरा गया था 23 पर ऋषभ पंत का, दूसरे पर छठी गेंद पर 34 पर सूर्य कुमार यादव का, 5 ओवर चौथी गेंद पर 106 पर गया 14 विकेट अक्षर पटेल का, 14 ओवर गेंद पर 163 का 5 विकेट विराट कोहली का, 19 ओवर 5 गेंद पर 174 रुपये 6 विकेट शिवम दुबे का, 20 ओवर 36 गेंद पर अभी 174 रुपये 7 विकेट रवि जडेजा का, जो कि लास्ट ओवर गेंद पर गया था। इस तरह से मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा पारी देखने मिली। इस तरह से मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा। महावीर सिंह 4 ओवर डाले, कोई ओवर मेडल निकाल नहीं पाए, बहुत अच्छी रिलेट थी। अभी नोटेज और रबाड़ा अच्छी गेंदबाजी करते हुए, कृष्ण महाराज अच्छी गेंदबाजी करी है और जॉनसन ने एक विकेट लेते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य यादव को यहाँ पर चलते गया था।
हार्दिक पांड्या का अच्छा प्रदर्शन रहा था, बॉलिंग अच्छी डाली और बैटिंग में तो कम बनाए, तो हम ये पक्ष देखते हैं। अक्षर पटेल और जो विराट कोहली का सेट आते हैं, जो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले आगे बढ़ाया, अच्छा परफॉर्म दिखाया था, बहुत ही शानदार अच्छी गेंदबाजी, उसके समय भी बल्लेबाजी की दाद देनी पड़ेगी। जब बात करेंगे भगत जिनसन ने चार उन जिनसन ने विकेट लिया, तो सब ये वाइट गेंद की बात करें तो मात्र 8-7 रन आए थे, जो बहुत कम रन थे, वाइट गेंदों के कम रन मिले एक्स्ट्रा चार्ज। इस तरह से मुकाबला आज इस इंडिया टीम ने इंडिया 1/7 रन, तो इस तरह से मुकाबला बहुत ही शानदार एक रोमांचक से मुकाबला रहा। हाय गाइस, गाजियाबाद करने वाला जो मुकाबला आज का खेला गया है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांच मैच हुआ था अभी फिनिश। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे टीम इंडिया की, टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 की शानदार पारी खेले 7 विकेट नुकसान पर। ऐसे मैच T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे यहाँ पे जो जून जिसको फाइनल मुकाबला ब्रेड टाउन में खेला गया। दोस्तों साउथ में लक्ष्य का पीछा करते हुए 175 रन पर 8 विकेट नुकसान पर 20 ओवर का मामला पूरा किया 177 रन से जीतने के लिए। यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर 7 रन से मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों काफ़ी मुश्किल मुकाबला था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में, काफ़ी टीमें भी पुरानी मुकाबला था जो बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला देखने को मिला था। परफॉर्मेंस बात करें इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला बहुत शानदार अच्छा रहा, 174 की पारी खेली 7 विकेट नुकसान पर। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 175 की पारी खेली 8 विकेट नुकसान पर। ऐसे मैच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला बहुत ही शानदार एक रोमांचक मैच जो शुरू हुआ उसमें इंडिया ने इस मुकाबले को 7 रन से जीत लिया इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। दोस्तों इंडिया ने यहाँ पे 174 की पारी खेली 7 विकेट नुकसान पर, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे 169 की पारी खेली 8 विकेट नुकसान पर, इस मुकाबले को 7 रन से जीता इंडिया टीम ने। अभी हम बात करेंगे इंडिया टीम की बल्लेबाजी रही किस तरह से रही, इस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा ने किस तरह से मुकाबले को खेला है, किस तरह मुकाबला या प्रदर्शन किया है इस मैच में। हम बात करेंगे जो फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद 2024 में अपने T20 वर्ल्ड कप पर इंडिया टीम अपना कब्जा कर पाई। 2011 के घंटे के बाद ये वैसे सुनहरा मौका था रोहित शर्मा के हाथों में, जो इस टीम इंडिया को अपना T20 वर्ल्ड कप मिला। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को 7 रन से हार घोषित की, उस इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका बीच मुकाबला फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला आज इंडिया ने फाइनल जीत लिया है। 174 रन की पारी खेली थी, वो देखते हैं स्कोर बोर्ड देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म रहा है 174 रन का। अब यहाँ बात करें रोहित शर्मा कैप्टन आए थे बल्लेबाजी करने विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा 5 गेंदों का सामना कर पाए, 9 रन बनाए, 2 चौके लगा के 180 के लिए स्टार्टेड। और यहाँ पे महाराज गेंद पर केशव कलासे ने कैच स्लिप कर रोहित शर्मा कैप्टन 9 रन बनाए, आउट हुए, फॉर्म में थे, अच्छी बल्लेबाजी करे लेकिन यहाँ पर कैच आउट हुए गलती से। विराट कोहली की बात करेंगे तो यहाँ पर 76 की पारी खेली 59 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के उसमें शामिल है, 128 के स्टार्टेड। जिनसन गेंद थी रबड़न आसन के स्लिप पर विराट कोहली आज 76 बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत की बात की जाए तो यहाँ पर 2 रन की पारी खेली 0 विकेट आउट हुए महाराज गेंद पर, पंत आज कुछ खास कर पाए नहीं। सूर्य यादव ने यहाँ पे 4 गेंदों समय के 3 रन बना के फिर बड़ा गेंद आउट हुए लगातार, लेकिन विकेट गए थे। रोहित शर्मा बाद जैसे पंद्रह दिए सूर्य यादव गए, उसके बाद ऐसे पटेल आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली विराट कोहली के साथ में, वो भी कोक की गेंद रन आउट हुए थे 47 रन बना के 31 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के लगाए थे, चौका भी उनके बल्ले से आया था। अक्षर पटेल गेंद पे 47 रन बनाए थे उन्होंने, वो 3 रन मात्र दूर और रन आउट हुए थे गलती से। अब ये बात करें दोस्तों शिवम दुबे आए थे, उसके बाद 27 की पारी खेली उन्होंने भी 16 गेंदों में विराट कोहली साथ दिया, शिवम दुबे भी आउट हुए, नोटिस गेंद मिलर ने कैचअप का। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए थे जो 5 रन की पारी खेली, आउट हुए, 2 गेंदों 5 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौका आया था। रवि जडेजा भी आज कुछ खास कर नहीं पाए, 2 गेंदों 2 रन बना के विकेट गवाया था। महाराज कहते कैच अप का नोटिस गेंद थी, नोटिस झपड़ा का बहुत ही शानदार एक अच्छा मुकाबला, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला। परफॉर्म की बात की जाए परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच का मुकाबला, फिर से बहुत ही शानदार पारी गई। दोस्तों टोटल बात करें यहाँ पे 176 रन बने 4 विकेट नुकसान पर, यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले 7 रन 20 ओवर का मुकाबला खेला गया, उसमें 8.80 की प्रति ओवर रेट 176 रन बने थे। अब यहाँ बात करें बॉलिंग जो किस तरह से रही इंडिया टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका की, बात करें बॉलिंग की बात भी यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों बॉलिंग में आज केशव महाराज नोटेज बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, मार्क जिनसन ने यहाँ पर 4 रन ले 49 रन 1 विकेट लिया, 12.25 की इकोनॉमी, केशव महाराज 3 ओवर 23 रन 2 विकेट लिए 7.26 की इकोनॉमी रही, फिर से रबड़ा ने 4.36 रन 1 विकेट लिया 9 की इकोनॉमी रही, यहाँ पे आदि मात्रम ने 2 ओवर में 16 रन दिए 8 की इकोनॉमी रही, अमृत नोटेज ने 4.26 रन 2.50 की इकोनॉमी, सरदीप शमसी ने 3.26 रन दिए 1 विकेट नहीं मिला। इस तरह से मुकाबला कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और सचिन मिला के हाथों वो बैटिंग नहीं आई। बात करें 23 पर गया पहला विकेट रोहित शर्मा का, दूसरे गेंद दूसरा गया था 23 पर ऋषभ पंत का,